गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू, वेलकम अगेन टू ऑनलाइन क्लासेस ऑफ क्लास 7। प्रीपोजिशन एज यू हैव बीन टॉट, जैसे कि आपको पढ़ाया गया, प्रीपोजिशन ऑफ टाइम इज ओवर। नाउ वी कम टू प्रीपोजिशन ऑफ प्लेस और पोजिशन। प्रीपोजिशन ऑफ प्लेस और पोजिशन, स्थान सूचक, स्थान बताने वाले जो प्रीपोजिशन है उनके बारे में हम जानेंगे। इनमें कौन कौन से हैं, पेज नंबर 47 पे देखें आप। ये जो ब्लैक ब्लैक काले काले जो लिखे हुए हैं, इन, एट, ऑन, एबव, अंडर, बाय, ओवर, बिटवीन, अमंग, अपोजिट, इन फ्रंट ऑफ, अक्रॉस, ये सब के सब एक्सेट्रा, ये सब के सब क्या है, प्रीपोजिशन ऑफ प्लेस। इनमें से कुछ ऐसे हैं जो प्रीपोजिशन ऑफ टाइम में भी इस्तेमाल हुए हैं, यहाँ फिर उनका रिपीटेशन होगा, यहाँ फिर वो रिपीट किए जाएंगे। किस कॉन्टेक्स्ट में, पोजिशन में, पोजिशन में, पोजिशन को बताने के लिए। अब हम इसको स्टार्ट करते हैं यहां से। इट ऑन इन, इट ऑन, एट ऑन इन, इन तीनों का इस्तेमाल कब हुआ था पहले, प्रीपोजिशन ऑफ टाइम, और यहां पर प्रीपोजिशन ऑफ प्लेस में इस्तेमाल होगा। ही इज वर्किंग इन चेन्नई, तो ये क्या शो करता है, इन, यूज ऑफ इन शो करता है स्टेबिलिटी, क्या शो करता है, स्थिरता। आई एम लिविंग इन टोंक, यू आर लिविंग इन राजस्थान, ओके, तो इन शो करता है स्टेबिलिटी, आप जहां पर हैं। दे आर सिटिंग इन द कार, वो कार में बैठे हुए हैं, उनका जो सिटिंग है वो कार में, कार में, इन द कार। वी आर सिटिंग इन द क्लास, हम क्लास में बैठे हुए हैं, बैठे हुए हैं, स्टेबिलिटी शो करता है, स्थिरता, स्थिर बने रहना। शी इज वेटिंग इन द लाइब्रेरी, वो लाइब्रेरी में वेट कर रही है, यहाँ इनके शो कर रहे हैं स्टेबिलिटी। दे आर सेटल इन न्यूयॉर्क, वो न्यूयॉर्क में सेटल हो गए। तो हमने क्या पढ़ा, इनका यूज स्टेबिलिटी शो करता है। वी आर सिटिंग इन अवर स्टडी रूम नाउ, एग्जाम्पल ऑफ एट, एट का एग्जाम्पल इससे पहले पढ़ा था अपन ने, सर्टेन मतलब डेफिनेट एंड इनडेफिनेट पीरियड ऑफ टाइम में एट का यूज किया जाता है, एट मिडनाइट, एट डॉन, एट 5 o'clock, और यहां पर पोजिशन, स्थिति, इसका देखेंगे आप। कीप द कीज ऑन द टेबल, इन चाबियों को टेबल पे रखो। कीप दिस बुक यानी ऑन योर पाम ऑफ द हैंड, हाथ की हथेली पे इसको अपने जमा लो। तो ऑन का इस्तेमाल कहाँ होता है, वैसे आपने पहले भी इसको पढ़ा होगा, ऑन का इस्तेमाल हम वहां करते हैं जब कोई चीज किसी को टच करती है, छूती है, उसका मीनिंग तो ऊपर होता है, लेकिन ऊपर ऊपर ऐसे भी होता है, किताब हाथ के ऊपर है, यह भी ऊपर है, और इसको भी हम ऊपर कहेंगे, लेकिन जब ये टच करती है हाथ को, ये किसी चीज को छूती है, कोई चीज, वहां यूज करते हैं हम ऑन, इसको आप ध्यान में रखें। जैसे तो ओवर भी है, एबव भी है, एबव माने ऊपर, ओवर माने ऊपर, है ना, ऑन माने ऊपर, लेकिन इनका यूज डिफरेंट है, अलग अलग है। तो इस तरह से और देखिए आप सेंटेंस, हर प्लेट इज लोकेटेड ऑन द फर्स्ट फ्लोर, फर्स्ट फ्लोर पे उसका लोकेटेड है, ये तो शो होती है, यहाँ क्या शो हो रहा है, लोकेशन, लोकेशन शो कर रहा है। थर्ड में देखें, देर इज ए क्रैक ऑन द वॉल, अब यहाँ ऑन का मीनिंग ऊपर नहीं है, देखिए आप प्रीपोजिशन का मीनिंग बदलते रहते हैं, कीप ऑन चेंजिंग मीनिंग अकॉर्डिंग टू कॉन्टेक्स्ट ऑफ द सेंटेंस या ऑफ द स्टेटमेंट, उसके हिसाब से उसके मीनिंग बदल जाते हैं। यहां पर क्या है, देर इज ए क्रैक ऑन द वॉल, अब अगर मैं कहूं ऑन का माने ऊपर, दीवार के ऊपर क्रैक है, तो यहां इसका अनुवाद जस्टिफाई नहीं होगा, मतलब सेंटेंस का अनुवाद सही नहीं है, जस्टिफाइड नहीं है,
ऑन का मतलब दीवार में, यहाँ पर ऑन का सेंस इन में आ रहा है, हिंदी में अनुवाद दीवार में छेद है या क्रैक है। नंबर फोर देखें आप, दहली इज ऑन द यमुना। अब यहाँ ऑन का मीनिंग ऊपर नहीं है, आप क्या समझेंगे दहली यमुना के ऊपर है, दिमाग में क्या आएगा यमुना नीचे बह रही है और दहली जो है वो उसके ऊपर बची हुई है, अनुवाद रॉन्ग हो जाएगा। तो यहाँ मीनिंग क्या है, सहारे, अलोंग द बैंक ऑफ यमुना, दहली लाइन अलोंग द बैंक ऑफ यमुना, लाइक दैट ऑफ योर टॉप इज ऑन द बैंक ऑफ बनास, तो हमारा बनास नदी के किनारे सहारे बसा हुआ है, तो अनुवाद इस टाइप से होगा। नेक्स्ट आता है एबो और ओवर, दोनों का मीनिंग क्या है, ऊपर ऊपर, ऑन का मीनिंग भी क्या था ऊपर, लेकिन देखिए आप दोनों को आप ध्यान से देखें, ये बहुत कंफ्यूज करेंगे आपको। एबव देखें आप, यूज ऑफ एबव, द बैलून्स वर फ्लोटिंग एबव आवर हेड, एबव एबव का मतलब ऊपर, ऊपर किस सेंस में, बिना टच किए हुए, बिना छुए हुए, बिना, जैसे जो बैलून से जो गुब्बारे हैं वो हमारे सर के ऊपर उड़ रहे हैं, मतलब सर के ऊपर उड़ रहे हैं, ये पंखे हमारे सर के ऊपर रोटेट कर रहे हैं, मूविंग कर रहे हैं, चल रहे हैं, सर को नहीं छू रहे हैं, एबव आवर हेड यूज करेंगे आप, बिना छुआ। तो कीप द सॉरी द बैलून्स वर फ्लोटिंग अबव आवर हेड, इसके बाद द बर्ड्स आर फ्लाइंग अबव द ट्रीज, पक्षी पेड़ों के ऊपर उड़ रहे हैं, पेड़ों को बिना छुए, पेड़ों के ऊपर बिना टच किए हुए वो ऊपर उड़ रहे हैं। द बीज मधुमक्खियां आर hovering, flying over flowers, मधुमक्खियां फूलों के ऊपर मंडरा रही हैं। तो हमने क्या देखा, बिना छुए बिना टच किए above का इस्तेमाल होता है, on का इस्तेमाल छूते हुए होता है। अब आता है नेक्स्ट है over, over, over माने भी ऊपर होता है। I put a piece of cloth over my head. The bees are hovering over the flower. अब देखिए इन दोनों को differentiate करना rather difficult, थोड़ा सा मुश्किल है। Preposition को exact other language में convey करना, उसको translate कर पाना कभी कभी बहुत मुश्किल हो जाता है, uphill task हो जाता है। अब यहाँ बताना क्या बताया जाए, I put a piece of paper over my head. मैंने कपड़े का टुकड़ा अपने सर के ऊपर रख लिया, अब यहाँ छू भी रहा है, क्या इसका मतलब ओवर की जगह हम ऑन भी ला सकते हैं, इसका मीनिंग ये हुआ, वाई पुट ए पीस ऑफ पेपर ओवर माई हेड है ना, या ऑन माई हेड। द बीज आर होवरिंग ओवर द फ्लावर, यानी फूल के ऊपर मधुमक्खियां मंडरा रही हैं। नेक्स्ट आता है पेज नंबर 48 पे देखिए, बिटवीन और एमंग, सिंपल बिटवीन का मतलब दो के बीच है ना, बिटवीन टू ऑब्जेक्ट, बिटवीन टू पर्सन या बिटवीन टू थिंग्स, दो चीजों के बीच में है ना। आई एम स्टैंडिंग बिटवीन विंडो एंड द गेट, दरवाजे और खिड़की के बीच में खड़ा हुआ। दिस बुक इज बिटवीन द मोबाइल एंड मी, दोनों के बीच में ये बुक है, इस तरह से आप देखेंगे। और एमंग क्या होता है, एमंग मतलब दो से अधिक के बीच में, मोर देन वन, टू बी सिचुएटेड या टू बी स्टैंडिंग या टू बी सिटिंग या टू बी एमंग मैनी थिंग्स, मैनी ऑब्जेक्ट्स, मैनी पर्सन, बहुत सारों के बीच में होना। माई फ्रेंड इज स्टैंडिंग, my friend is sitting among many students in the class, बहुत सारे स्टूडेंट के बीच में मेरा फ्रेंड बैठा हुआ है। among preposition है, इसका यूज मोर देन टू के लिए होता है, और बिटवीन का
टू के लिए होता है, दो के लिए होता है, और एमंग का दो से ज्यादा के लिए होता है। नेक्स्ट हम देखेंगे बिलो, बिलो एंड अंडर। एग्जाम्पल ऑफ प्रीपोजिशन बिलो, बिलो का मतलब किसी सतह के नीचे, यानी अंडर द सरफेस ऑफ समथिंग, अंडर द सरफेस ऑफ समथिंग, किसी बड़ी सतह के नीचे, वहां यूज करते हैं हम ब्लॉक का। जैसे द रिंग वाज लाइंग बिलो द वाटर, मेरी अंगूठी पानी के नीचे, पानी की सतह के नीचे गिर गई, मुझे बाहर से दिख रही है। द प्लेन फ्लू बिलो द क्लाउड, जो हवाई जहाज है वो बादलों के, क्लाउड्स के नीचे उड़ रहा है। इनका डायमेंशन बड़ा है, वाटर का डायमेंशन बड़ा है, तो बड़े किसी बड़ी ऑब्जेक्ट के नीचे, वहां यूज करते हैं हम ब्लो का। अंडर, अंडर माने भी नीचे होता है, ब्लो माने नीचे, अंडर माने नीचे। अंडर किसके लिए होता है? अंडर स्मॉल ऑब्जेक्ट, छोटी वस्तु के नीचे, अंडर द टेबल, अंडर माई हैंड, द बुक इज अंडर माई हैंड, बुक मेरे हाथ के नीचे है। ठीक है, दिस पॉडियम इज अंडर द बुक, जो बुक के नीचे है, ये अंडर आ गया। ठीक है, दोनों में क्लियर हो गया। बिहाइंड एंड इन फ्रंट ऑफ, बिहाइंड का मतलब मेरे पीछे, दे द ब्लैक बोर्ड इज बिहाइंड मी, ये ब्लैक बोर्ड मेरे पीछे है। पीछे के लिए आता है, इन फ्रंट का मतलब मेरे सामने, यू आर इन फ्रंट ऑफ मी, ऑल द साइट या सेनारियो दैट आई एम लुकिंग ऑन इज इन फ्रंट ऑफ मी, मेरे सामने है। फ्रंट वॉल, द वॉल आई एम लुकिंग एट इज इन फ्रंट ऑफ मी, ये दीवार मेरे सामने है। जो सामने है मतलब इन अपोजिट टू, सामने होना, इन फ्रंट ऑफ मी सामने। अब ये बिसाइड बाई और नेक्स्ट टू, बिसाइड का मतलब साइड में, बाई माने साइड में, और नेक्स्ट टू का मतलब भी साइड में, तीनों में डिफरेंस क्या होगा इसको जानने की हम कोशिश करते हैं। बिसाइड, देयर इज अ फोन बिसाइड माई नेक, बिसाइड का मतलब एक तरफ, टू द साइड ऑफ, टू द साइड ऑफ समथिंग, टू द साइड ऑफ समबडी, किसी के साइड में। ठीक है, अब मैं कह सकता हूँ दिस पॉडियम इज बिसाइड मी, मेरे साइड में है, टू द राइट ऑफ माई साइड, तो बिसाइड कहेंगे साइड में होना। इसके बाद है देयर इज अ कैंटीन बिसाइड द स्कूल, स्कूल बिल्डिंग के साइड में, टू द साइड ऑफ द स्कूल देयर इज अ कैंटीन, कैंटीन है। अब आते हैं बाई, बाई का मीनिंग क्या, ही टुक एकोमोडेशन इन ए रिजोर्ट बाई द रिवर, रिवर के बराबर, या रिवर का, या बाई का मीनिंग क्या है, नियर, नदी के पास एक रिजोर्ट है, एक होटल है, धर्मशाला है, वहां उसने अपनी, वहां उसने अपना आवास चुन लिया है। और द कॉटेज इज बाई द लेक, कॉटेज, जो कॉटेज है वो झील के पास है, यहाँ बाई का मतलब निकट, करीब। एग्जाम्पल ऑफ नेक्स्ट टू, नेक्स्ट टू का मतलब बिल्कुल बराबर, यानी माई फ्रेंड इज सिटिंग नेक्स्ट टू मी, मेरे बराबर, बिल्कुल मुझे टच करता हुआ बैठा हुआ है, नेक्स्ट टू मी। माई हाउस इज नेक्स्ट टू माई फ्रेंड, मेरा घर मेरे फ्रेंड के बराबर, एक दीवार बीच में है या दोनों मिले हुए हैं, तो नेक्स्ट टू। पेज नंबर 49 पे आइए, नियर एक्रॉस, नियर का मतलब निकट, एक्रॉस का मतलब उस पार, इधर से उधर, फ्रॉम हियर टू ओवर देयर, देर इज एन ATM kiosk नियर माई हाउस, मेरे घर के करीब। ठीक है, नेक्स्ट आइए, एक्रॉस का मतलब उस पार, द मोबाइल शॉप इज जस्ट एक्रॉस द रोड, मोबाइल शॉप इस सड़क के उस पार है, उस पार होना। हिज हाउस इज जस्ट एक्रॉस द रिवर, उसका घर इस नदी के उस पार है, एक्रॉस द रिवर, एक्रॉस द ग्राउंड, द होस्टल ऑफ द स्कूल एक्रॉस दिस प्लेग्राउंड, इस प्लेग्राउंड के पल्ली तरफ परे स्थित है। समझ में आ गया आपको, आपको ये एक्सरसाइज करना है 1 to 10 तक, ये आपका वर्क है, इसको आप कर लें, इसमें फिल कर लें आप, इसके आंसर बुक में देखें, ये फिल करें 1 to 10 तक आपका ये होमवर्क, प्लीज इसको आप कर लें। इसके बाद फिर अपन नेक्स्ट प्रीपोजिशन टॉपिक आपका जारी रहेगा, और अपना वर्क आप सेंड करते रहिए। थैंक यू।